गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जो है चैप्टर 3 मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे कि मैट्रिक्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कहां से आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले आज जो है वन मार्क क्वेश्चन की कि आपके वन मार्क के क्वेश्चन मैट्रिक्स के कहां कहां से आते हैं। इसमें जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के ऑर्डर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन वन मार्क्स में पूछे जाते हैं। उसमें ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स या फिर नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स या क्या पूछा जाता है कि मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, और इसी में ही पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट कि आपका कोई एलिमेंट है, कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में आपसे पूछ लिया कि ए आई जे पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है। ए आई जे का मतलब क्या है, इसमें आपका A13 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है। एक मैट्रिक्स दे दी, उसमें पूछ लिया आपसे कि A13 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है, A23 एलिमेंट पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है, A33 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है। इस तरह से जैसे सपोज करो आपके पास कोई मैट्रिक्स A है, 2-1 0 4 3 2 1-1 0, ये है आपसे पूछ लिया A13 मतलब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम 0, A13 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है, 0 एलिमेंट है, A23 कौन सा एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, और A33 पर कौन सा है, 0 है, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है, 4। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वन मार्क्स में मैट्रिक्स के ऑर्डर से रिलेटेड, नंबर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, और पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट यानी उस किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की क्या पोजीशन होगी, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वन मार्क। ठीक है, दूसरा आपका टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स मैट्रिक्स के टाइप्स में से आपका वन मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी ये रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था। उसके बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, मैट्रिक्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आप मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में आपको पता हो। उसके बाद इजिली आपसे क्या पूछ लिया जाता है वन मार्क्स में, ये तो था थोड़ा मल्टीपल चॉइस या सोल्व करने वाले में आपको किस तरह दिया जाता है, सोल्व करने वाले में एक मार्क, वन मार्क्स और टू मार्क्स दोनों के आ जाते हैं। यदि उसको हम बात करें तो आपको इक्वेशन वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इक्वेशन आपसे किस तरह से, जैसे आपको बोल दिया उसने कि एक मैट्रिक्स ये है 2-3-1-4+y=, ये कोई मैट्रिक्स दे दी तो यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड कीजिए, या दो मैट्रिक्स इक्वल करके दे दी उसने कि यहाँ से 2-3+y=4, ये दिस मैट्रिक्स के इक्वल है, इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करो। तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, तो ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ से भी आपका वन मार्क्स का पर्टिकुलर क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट, पर्टिकुलर ऑपरेशन, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और इससे रिलेटेड आपका वन मार्क्स का क्वेश्चन बनता है मैट्रिक्स में। अब बात करते हैं कि बेसिक यानी बेसिक नॉलेज, जो मैट्रिक्स की जो बेसिक नॉलेज है, एडिशन सब्ट्रैक्शन और इनसे रिलेटेड आपका वन मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, मल्टीपल चॉइस में भी और सोल्व करने वाले में भी। अब बात करते हैं टू मार्क्स का क्वेश्चन आपका कहाँ से बनता है, टू मार्क्स का क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट करना, मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना, तो वहां से आपका कंस्ट्रक्ट करने का मैट्रिक्स का जो है क्वेश्चन नॉर्मली बहुत बनता है,
उसके अलावा भी बहुत सारा एडिशन प्रोडक्ट वगैरह दो नंबर का बन जाता है वहां से। क्या ना, जो मैट्रिक्स की बेसिक प्रॉपर्टी है उनको, उनसे तो आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। बाकी जो इम्पोर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, इम्पोर्टेंट पोर्शन वो है आपका कंस्ट्रक्ट, 2x2 मैट्रिक्स। हुज एलिमेंट्स, हुज एलिमेंट्स ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ आई माइनस जे। इस टाइप से कंस्ट्रक्ट, यानी उसने बोला कि एक 2x2 की मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करनी है कि जिसके जो एलिमेंट है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आपको 2x2 की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, अ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स इज a11 a12 a21 a22। एक 2x2 की मैट्रिक्स जो कंस्ट्रक्ट होगी वो कौन सी होगी, a11 a12 a21 a22। अब a11 एलिमेंट की वैल्यू निकालेंगे, a11 का मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 1/2 1-1। a11 का मतलब i की वैल्यू भी 1 और j की वैल्यू भी 1, तो यहां पर हम रखेंगे तो 1-1 क्या आ जाएगा, 0। तो a11 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। a12 1/2 i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2, तो कितना आएगा 1/2, 1-2 -1, लेकिन इसमें भार क्या है, मोड लगा हुआ है, एब्सोल्यूट है, तो कितना आएगा 1, यानी 1/2। a21 1/2 2-1 यानी 1/2 इंटू 1, ये भी कितना आ गया 1/2। और a22 कितना आएगा 2-2 0। तो जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होकर आई है, जो मैट्रिक्स बन के आई है, वो मैट्रिक्स क्या बन के आई है, ए इक्वल टू a11 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहां से बनता है, कंस्ट्रक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ से आपका 2 मार्क्स का और 1 मार्क्स का जो मैंने बताया है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको सेंड करूंगा, जो प्रॉब्लम होगी उसको हम फिर डिस्कस करेंगे। ये है आपका 2 मार्क्स। ठीक है, थैंक यू।